आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो सर्किट ब्रेकर होते हैं और आइसोलेटर होते हैं सब स्टेशन में, इनमें क्या अंतर होता है। इस तरीके सवाल जो है इंटरव्यू की नज़र से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, और हो सकता है आपने इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखा होगा, पर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंसेप्ट में और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगा और हमेशा की तरह जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन दोनों को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए क्यों कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही जो है एक प्रकार का स्विच है जो सर्किट को ब्रेक कर रहा होता है, और जब आप इसको पहली बार समझ रहे होते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यार ये जो आइसोलेटर है ये जो काम कर रहा होता है, इतना काम तो आपका सर्किट ब्रेकर भी कर रहा होता है और उससे एक्स्ट्रा ही कर रहा होता है। यानी कि जो भी खूबियां हैं हमारे आइसोलेटर के अंदर, डिस्कनेक्टर के अंदर, वो सारी खूबियाँ जो है आपको सर्किट ब्रेकर के अंदर देखने मिलेगा और एक्स्ट्रा भी कुछ कर रहा होगा। तो भैया फिर आइसोलेटर को यूज़ करने का मतलब क्या है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा हम लोग क्यों खर्चा कर रहे हैं? तो भैया जी ऐसा नहीं है, जो काम आपका आइसोलेटर कर सकता है वो काम आपका सर्किट ब्रेकर नहीं कर सकता है। और ये बात जो है आपको इस वीडियो का ख़त्म होते होते ये अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। हम इन दोनों को तो डिफरेंशिएट करेंगे ही, पर साथ ही साथ आइसोलेटर का जो इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसको अक्सर जो है लोग इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो समझने वाली ये है कि इन दोनों को जो है हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं। अब देखिए, ये जो सर्किट ब्रेकर है, जो आइसोलेटर है, ये सिर्फ आपके सब स्टेशन में यूज़ में नहीं लिया जाता है, इसके आपको घरों में भी आपको देखने मिल जाएगा। आपके घर में जो वो MCB होता है, जैसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, वो भी एक सर्किट ब्रेकर ही है। तो ये क्या कर रहा होता है बेसिकली, तो आपके घर में जब भी जो है शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड वाली कंडीशन आती है, तो इस दोनों ही कंडीशन में आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होता है। अब ये जो ज़्यादा करंट है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को डैमेज कर सकता है या उससे जुड़ी हुई जितनी भी उपकरण है वो भी डैमेज हो सकता है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये जो MCB है वो अपने आप जो है ट्रिप हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, करंट के बहाव को रोक देता है, और ऐसे करते हुए जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को, उससे लगी हुई जो उपकरण है उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। सरल लैंग्वेज में आपको बताएं तो भैया ये जो MCB है या सर्किट ब्रेकर की बात करें तो वो किसी भी फॉल्ट से जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और स्पेसिफिकली अगर MCB की बात करें तो ये दो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ओवरलोड जब भी आप करेंगे आपके घर में तो उससे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, और दूसरा जो है ये आपको शॉर्ट सर्किट से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि जब भी फेज न्यूट्रल जो आपस में टच हो जाते हैं तो ये अपने आप जो है ट्रिप कर जाता है। तो देखिए, ये तो मैंने MCB के बारे में बताया आपको, तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट प्रकार के जो है सर्किट ब्रेकर होते हैं जो आपको डिफरेंट प्रोटेक्शन जो है आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब सिर्फ घर का ही नहीं, अब अगर हम सब स्टेशन में जो बड़ा सर्किट ब्रेकर होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर होता है, ये सारी भी जो है आपको फॉल्ट के अगेंस्ट जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, सर्किट को ब्रेक कर रहा होता है, सारी जो कहानी है वो सेम है। फर्क ये है कि जो सब स्टेशन में आपको सर्किट ब्रेकर देखने मिलता है उसको हम अक्सर जो है रिले के साथ इंटरफेस करते हैं, उसको रिले के साथ जो है कनेक्ट करके रखते हैं, और ये जो रिले है वो फॉल्ट को सेंस कर रहा होता है, फिर ये जो है हमारे सर्किट ब्रेकर को बता रहा होता है, कमांड भेज रहा होता है कि भाई फॉल्ट आ गया है, आप ब्रेक कर दो सर्किट को, फिर वो ट्रिप हो रहा होता है। बट घरों में जो आपको ब्रेकर देखने मिलता है MCB की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ही हम वो सारा अरेंजमेंट लगा रखे होते हैं, तो अलग से हमको रिले लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो सारी कहानी है वो तो आपका सर्किट ब्रेकर का था। अब आइसोलेटर डिस्कनेक्टर क्या होता है, ये कैसे आपके सर्किट ब्रेकर से डिफरेंट होता है? तो देखिए, ये जो आइसोलेटर है वो एक प्रकार का स्विच है, अब नॉर्मल स्विच है, और इसे अगर आपको ऑपरेट करना होगा, यानी कि ऑन ऑफ करना होगा, जो कि आपके सर्किट को ब्रेक और मेक कर रहा होता है, तो आपको जो है मैनुअली करना होगा। सर्किट ब्रेकर की तरह वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होता है कि जब भी फॉल्ट है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो गया, ऑटोमेटिकली वो सर्किट को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आइसोलेटर में अगर आपको सर्किट को ब्रेक करना होगा तो आप मैनुअली जो है अपने हाथों की मदद से करेंगे, और अगर हम सब स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे जो है पुश बटन की मदद से की जाती है, या तो जो है आप उसको कंट्रोल रूम से जो है मैनुअली ऑपरेट कर रहे होंगे। तो क्या ये सर्किट ब्रेकर को हम मैनुअली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आप सर्किट ब्रेकर को भी मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि सर्किट ब्रेकर जो है आपका ऑटोमेटिकली तो ऑपरेट होता ही है, साथ ही साथ आप चाहें तो उसको मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम आइसोलेटर की बात करें
पे, तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है मैनुअल ही ऑपरेट किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट नहीं होता है। तो घुमा फिरा के जो है सवाल वहीं पे आ गया कि यार आप जब सर्किट ब्रेकर को मैनुअली ऑपरेट कर ही रहे हैं और मकसद आपका जो एंड रिजल्ट है वो सर्किट को जो है ब्रेक ही कर रहा है, तो फिर भैया हमारा सर्किट ब्रेकर तो सफिशियंट है, फिर हम आइसोलेटर जो है क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस सवाल पर जो है हम आएंगे, उससे पहले जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें। तो अगर आप किसी भी सब स्टेशन में गए हैं या अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होगा कि इस आइसोलेटर की मदद से सर्किट को ब्रेक करने से पहले हम सर्किट ब्रेकर को जो है मैनुअली ऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आइसोलेटर की मदद से जो है सर्किट को ब्रेक कर रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सर्किट में जो है करंट को जीरो करना चाहते हैं, तब उसके बाद जो है हम आइसोलेटर को ऑपरेट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप सर्किट ब्रेकर को आप मैनुअली ऑपरेट करवाते हैं तो उस वक्त जो है आपके वायर से जो है करंट फ्लो होने वाला जीरो हो जाता है, यानी कि सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, तब जा करके जो है आप आइसोलेटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप डायरेक्टली जो है आइसोलेटर को ऑपरेट कर रहे होंगे बिना करंट को ज़ीरो किए हुए, तो ऑपरेट तो होगा, आप उसको ऑफ तो कर पा रहे होंगे, आप उसको सर्किट को तो ब्रेक कर पा रहे होंगे, पर आपको बहुत ज़्यादा जो है आर्क जनरेट होता हुआ आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, जो आपके आइसोलेटर को जो है डैमेज कर सकता है और उसका लाइफ भी जो है रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से ऐसा हम कहते हैं कि भाई आपको आइसोलेटर को ऑपरेट करवाने से पहले सर्किट ब्रेकर को जो है मैनुअली आप ट्रिप करवा लें, उससे सर्किट को ब्रेक कर दें। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट आपका फ्लो नहीं होगा, करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो उस वक्त जो है जब आप ऑपरेट कर रहे होंगे तो आपको स्पार्क देखने नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है समझा हमने कि हमें इसे बाद में करना चाहिए, तो अगर हम सर्किट ब्रेकर को पहले कर रहे हैं तो सर्किट ब्रेकर के अंदर आर्क जनरेट नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, वहाँ भी आर्क जनरेट होता है, पर उस आर्क को जो है हमने मैनेज करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए हमने ऑलरेडी सारा जो है सिस्टम बना रखा है। वहाँ पर आर्क क्विंचिंग चेंबर ऑलरेडी होता है, जो ये आर्क पैदा होते ही उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। आपने सुना होगा SF6 सर्किट ब्रेकर की जो हम बात कर रहे होते हैं, तो जो वो SF6 गैस होता है उसका जो काम है, मेन काम है उस आर्क को ही हैंडल करना है। अब जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, अगर हम एयर सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो वहाँ पर एयर की मदद से जो है उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इवन आपके घर में जो MCB होता है, तो उस MCB को भी अगर आप खोलेंगे तो वहाँ भी जो आपको आर्क क्विंचिंग चैम्बर दिख रहा होगा, वो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या करता है कि आपका जो भी आर्क जनरेट होता है उस बड़े आर्क को जो है टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि वो अपने आप जो है ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से जो है हम आर्क को यहाँ पर मैनेज कर पाते हैं, पर ये जो सिस्टम है वो आपको आइसोलेटर में देखने नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है हमें समझ में आ रहा होता है, पर मेन सवाल यहाँ पर यही उठ करके आ रहा है कि भाई हम आइसोलेटर को यूज़ क्यों कर रहे हैं फिर? तो देखिए, आइसोलेटर जो है अक्सर हम जब हमें मेंटेनेंस का काम करना होता है, मान लीजिए आप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना चाहते हैं या आप सर्किट ब्रेकर को ही मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा, तो आप कैसे करेंगे? कैसे आप जो है सप्लाई को ऑफ कर रहे होंगे? तो आप ये जो है आइसोलेटर का मदद यूज़ में ले रहे होते हैं। आइसोलेटर नाम से ही आपको पता चल रहा होता है कि ये आपका एक सिस्टम के पार्ट को पूरा आइसोलेट कर देता है आपके मेन सप्लाई से, आपके मेन सिस्टम से, ताकि आप सेफली जो है आप आराम से काम कर सकेंगे। अगर मान लीजिए कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यार अगर हमें ट्रांसफार्मर को अगर हमें मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा तो सर्किट ब्रेकर को हम ट्रिप करवा देते हैं, उसको मैनुअली ऑफ कर देते हैं, तो उस वक्त भी तो हमारा करंट जो है ज़ीरो हो जाएगा हमारे सर्किट में और फिर हम आराम से काम कर सकते हैं। पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ करंट ज़ीरो करने से ही हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि करंट ज़ीरो करने के बावजूद भी जो है बहुत सारे स्टैटिक चार्ज आपके सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आप जाके वायर को टच करता है कोई भी बंदा, तो वो सारे जो स्टैटिक चार्ज है वो उसकी बॉडी से होते हुए जो है ग्राउंड हो जाता है और उस बंदे का जो है वहीं पर काम जो है समाप्त हो जाता है। तो इसी वजह से जो है आइसोलेटर जब हम यूज़ में ले रहे होते हैं तो आइसोलेटर में आपका अर्थ स्विच भी होता है, जब वो कम्प्लीटली जो है आपके सिस्टम को आइसोलेट करता है एक पार्ट को, तो हम जो है उसको अर्थ स्विच से जो है कनेक्ट कर देते हैं उस आइसोलेटर को, तो जो भी आपका कलेक्टेड चार्ज है, स्टोर्ड चार्ज है, वो सब जो है ग्राउंड हो जाता है और इस तरीके से जो है वो जो पार्ट है जिस पार्ट में आप मेंटेनेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कम्प्लीटली जो है आपका सेफ हो जाता है, ज़ीरो पोटेंशियल पर रहता है। पर यह चीज़ जो है आपको सर्किट ब्रेकर के अंदर देखने आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपका आइसोलेटर जो है आपके सर्किट ब्रेकर से डिफरेंट होता है, ये एक्स्ट्रा चीज़ जो है आपको प्रोवाइड कर रहा होता है जो आपका सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। हालांकि आप इसको किस लिए यूज़ करते हैं वो
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर्किट ब्रेकर किस लिए यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जो मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। हालांकि आप उसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो बहुत सारी बातें बता सकते हैं। एक बात ये भी है कि जब भी हम जो है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आपको सिस्टम में ओवर वोल्टेज देखने मिलता है। अब वो क्यों आपको समझ में आता है, क्योंकि जैसे ही आप सर्किट ब्रेकर को जो है ऑपरेट करते हैं, ऑफ करते हैं, तो बहुत सारा लोड जो आपका डिस्कनेक्ट होता है, लोड कम होता है, यानी कि करंट कम हो रहा है, आपका पावर कॉन्स्टेंट तो वोल्टेज जो है इंक्रीज हो रहा होता है। दूसरी तरफ अगर हम आइसोलेटर की बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी हम उसको तभी ऑपरेट कर रहे होते हैं जब हमारा सर्किट में जो है करंट होता ही नहीं है, तो वो किसी भी पैरामीटर को जो है इफेक्ट नहीं करता है। वहाँ पे आपको ओवर वोल्टेज का जो है समस्या आपको देखने नहीं मिलता है। और बात बाकी जो है मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें चेंबर है उसमें नहीं है। आपका सर्किट ब्रेकर जो है मैनुअली ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से ऑपरेट होता है, पर आपका जो है आइसोलेटर सिर्फ और सिर्फ मैनुअली ऑपरेट होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको एक बस प्रैक्टिकल ओवरव्यू देना चाहता था जो मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से दे पाया। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।